बने हैं 22 ही, लेकिन उनमें 12 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें 5 मंत्री ऐसे हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं राजस्थान में, 20 नए मंत्री हैं जो राजस्थान में पहली बार बने। इनमें अगर एक राज्यवर्धन को और शामिल कर लें अनुभवी के रूप में केंद्रीय मंत्री रहे हुए, तो 19 तो ऐसे हैं जो मंत्री भी पहली बार ही बने हैं, और इनमें 3 वो जोड़ दिए जाएं मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, तो 22 लोग 25 में से नहीं, क्षमा करें, 19 में से 19 लोग ऐसे हैं जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हैं और ये सब शामिल हैं, 25 में से 19 लोग ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। राजस्थान में तो 20 लोग पहली बार बने, लेकिन राज्यवर्धन एक बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो 19 तो मंत्री ही पहली बार बने, शपथ मंत्री पद की पहली बार ली है, जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। एकदम नया मंत्रिमंडल, ताज़ा युवा चेहरे, एक बार के जीते हुए, 2 बार के जीते हुए, 3 बार के जीते हुए, और ऐसे दिग्गज जो 7 बार जीते, 8 बार जीते, 6 बार, 5 बार, ऐसे लोग अभी विश्राम है, मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में उनको रखा गया है। इसमें 2 बातें और मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि 25 की मंत्रिपरिषद में महिलाएं केवल 2 हैं, मंजू बागमार जायल से चुनकर आई ST की सीट, और दिया कुमारी जो विद्याधरनगर से जीती, पहले सांसद थी, डिप्टी CM है। 25 में से केवल 2 मंत्री, ये एक महत्वपूर्ण बात है, महिला मंत्री, बाकी महिलाएं अभी इसमें शामिल नहीं की गई है। बची 5 सीटों में जब भी मंत्री मनोनीत होंगे, तय होंगे क्या महिलाओं का और नंबर लगे। दीप्ति महेश्वरी का बहुत नाम चल रहा था, सिद्धि कुमारी का चल रहा था, कल्पना देवी की भी किसी ने चर्चा की थी, लेकिन राज परिवार कल्पना देवी, राज परिवार सिद्धि कुमारी, कैसे दिया कुमारी के होते हुए राज परिवार के लोग और लिए जाएं, ये भी एक समस्या थी। तो महिलाएं केवल 2 आई, एक बात तो मैं ये इंगित करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये इंगित करना चाहता हूँ कि 3 मंत्री ऐसे बने हैं जो राजनेताओं की नेक्स्ट जनरेशन है। अगली पीढ़ी में सत्ता का हस्तांतरण, राजनीति का हस्तांतरण हो गया, विरासत को संभाल लिया है। एक झाबर सिंह खर्रा जो हरलाल सिंह खर्रा के बेटे, हरलाल सिंह खर्रा कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं बैरो सिंह शेखावत की सरकार में, श्री माधोपुर से जीत के आए दीपेंद्र सिंह शेखावत को हरा कर आए। दूसरे विजय सिंह नावा से, विजय सिंह चौधरी, ये लंबे समय तक विधायक रहे नावा से, रामेश्वर चौधरी के बेटे हैं, उन्होंने भी विरासत को संभाल लिया है। और तीसरे हैं प्रतापगढ़ से हेमंत मीणा, नंदलाल मीणा के बेटे, नंदलाल मीणा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भैरव सिंह शेखावत की सरकार में भी रहे, वसुंधरा राजे की सरकार में, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, वो भी मंत्री बने हैं। तो 3 ऐसे पिताओं की संतान जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं राजस्थान में या लंबे समय तक विधायक रह चुके हैं, उनकी संतान आज मंत्री बन गई है, विरासत संभाल लिया है इन 3 लोगों ने। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से 2-2 मंत्री बनाए गए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोकसभा क्षेत्रवार सोचा जा रहा है ताकि 25 की 25 सीटें कैसे जीती जाए, तो 5 लोकसभा क्षेत्रों को ये लाभ मिला है, ये फायदा हुआ है कि वहाँ से 2-2 मंत्री बने हैं। और इनमें कोटा से मदन दिलावर रामगंज मंडी से, और हीरालाल नागर सांगोद से, जोधपुर से गजेंद्र सिंह खींवसर लोहावट से, और जोगाराम पटेल लूणी से, नागौर से मंजू बागमार जायल से, और विजय सिंह चौधरी नावा से, कुरलाल मीणा सवाईमाधोपुर टोंक सवाईमाधोपुर से, और कनेलाल चौधरी मालपुरा से, चित्तौड़गढ़ से गौतम दग बड़ी सादड़ी, और हेमंत मीणा प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र। प्रतापगढ़ जिला अलग है, मैं लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से प्रदेश अध्यक्ष आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भी हैं वो, वहाँ से भी 2। और एक फायदा अजमेर लोकसभा क्षेत्र को भी शामिल मैं इसमें करना चाहूँगा, क्योंकि दूदू अजमेर लोकसभा क्षेत्र में होता है, तो अजमेर लोकसभा क्षेत्र को 2 मंत्री तो मिले ही हैं, सुरेश रावत पुष्कर से MLA, और दूदू से MLA प्रेमचंद बैरवा जो DC है, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष भी अजमेर के हैं वासुदेव देवनानी। तो अजमेर शायद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड, और जयपुर शहर के 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला लें, भले जयपुर ग्रामीण को अलग ना करें, तो
तो अजमेर और जयपुर सबसे ज्यादा बेनिफिटेड इलाके हैं इस मंत्रिमंडल के विस्तार और गठन में। 6 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से कोई भी मंत्री नहीं बनाया है। मैं आपको उनका जिक्र करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 6 लोकसभा क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव सामने होते हुए भी मंत्री नहीं बनाया गया। इसमें करौली धौलपुर एक क्षेत्र है। करौली से दर्शन सिंह गुर्जर को बनना था, लेकिन जवाहर सिंह बेडम बन गए नगर से, तो दर्शन सिंह गुर्जर रह गए। चूरू से कोई मंत्री नहीं बना है। रायन राठौड़ का मैंने जिक्र किया था कि वो शायद मंत्री बने और उपचुनाव लड़कर आए, लेकिन वो बात किसी वजह से रुक गई, उस पर फिर किसी दिन चर्चा करूंगा। सतीश पूनिया की बात भी थी, वो भी रुक गई। दोनों की साथ बात चल रही थी, पार्टी बनाना चाहती थी, लेकिन गैर विधायकों का जब जिक्र चला तो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 5 तारीख को उनका मतदान है, उनका नंबर आ गया। और बाकी दोनों गैर विधायकों को मंत्री बनाने के इशू पर फिलहाल चुप्पी साध ली गई है। झुंझुनू से कोई मंत्री नहीं बना है, भीलवाड़ा से कोई मंत्री नहीं बना है। वेरी इंपॉर्टेंट बात इसलिए कि दादूलाल पीतलिया क्या कह रहे थे हमने सुनवाया, शाहपुरा के लाला राम बैरवा क्या कह रहे थे SDM को सुनवाया, उदयलाल भड़ाना क्या कह रहे थे, गुंडा हूँ, गुंडों को एनकाउंटर करने के लिए विभाग बना लिया है ये। और प्रॉपर भीलवाड़ा शहर से भाजपा के तो नहीं थे, लेकिन भाजपा के अनुषांगिक वर्ग के संवर्ग के समर्थित, RSS के समर्थित अशोक कोठारी जीत कर आए हैं। भीलवाड़ा से भाजपा नहीं जीती है। और जो जबरमल साकला आसीन से जीत का है, वो वसुंधरा जी के करीबी माने जाते हैं। तो भीलवाड़ा जिला जो गढ़ है, जहां से 6 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीती थी पिछली बार, वहां से कोई मंत्री नहीं बनाया गया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से कोई मंत्री नहीं बनाया गया। तो झाड़ोल से मंत्री बने हैं, जो अभी भी झोंपड़ी में रहते हैं कच्चे मकान में, वो बाबूलाल खराड़ी। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में आती है उनकी सीट। और प्रतापगढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ में आती है, लेकिन आदिवासी दोनों हैं, इसमें कोई दोराय नहीं। इसलिए आदिवासी वर्ग को कैटर करने के लिए 2 मंत्री बना दिए गए, पर उस लोकसभा क्षेत्र से कोई नहीं है। और झालावाड़, जहाँ से निवर्तमान नहीं कहना चाहता, अभी तो सांसद हैं इस वक्त दुष्यंत सिंह, और 2 बार की मुख्यमंत्री, इस बार की विधायक वसुंधरा जाती, उस लोकसभा क्षेत्र से भी कोई मंत्री नहीं बना है। 6 लोकसभा क्षेत्रों से कोई मंत्री नहीं बना है। जातिगत बात करें तो OBC के 13 मंत्री, जनरल के आज 4 मंत्री बने। जनरल यानी राजपूत, ब्राह्मण, वैश्यवर्ग, 4 आज बने, 2 पहले थे, दिया कुमारी और मुख्यमंत्री भजन लाल। तो कुल 25 में 6 सामान्य वर्ग के हैं, जिनमें राजपूत 3 हैं, 1 वैश्य है, गौतम दत्त, पर अग्रवाल और महेश्वरी कोई नहीं है। इसलिए जैन को कई बार वैश्य में नहीं मानते, पर जैन, अग्रवाल, महेश्वरी सब मिलके वैश्य हैं। तो गौतम दत्त जो राज्य मंत्री बने, वो वैश्य समुदाय से अकेले हैं। और गजेंद्र सिंह खींवसर, दिया कुमारी और राजवर सिंह राठौड़ 3 राजपूत हैं। और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भजन लाल खुद मुख्यमंत्री, और संजय शर्मा अलवर से आए हैं। कल मैंने कहा था आपको, या तो संजय शर्मा बनेंगे अलवर के, या संदीप शर्मा बनेंगे कोटा के, तो 1 शर्मा को बनना था, संजय शर्मा बन गए। तो ये कुल मिलाकर 4 आज बने हैं, 2 पहले, 6 सामान्य वर्ग के लोग हैं, 13 OBC हैं, और 3 ST के हैं, रुलाल मीणा भी हैं, और प्रतापगढ़ के हेमंत मीणा भी हैं, और बाबूलाल खराड़ी भी हैं। इसमें 2 मीणा हैं, तो 2 मीणा में आप कंफ्यूजन ना करें। ये जो किरोड़लाल मीणा है, ये ईस्टर्न राजस्थान की मीणाओं में आते हैं। ईस्टर्न राजस्थान के मीणा अपने आप को अलग समझते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वागड़ के मीणा अपने आप को अलग समझते हैं। दोनों तरह की मीणाओं को कैटर करने की कोशिश की है पार्टी ने, और इसलिए हेमंत मीणा नंदलाल मीणा के बेटे को बनाया है, और बाबूलाल खराड़ी बनाया है। तो ये 2 मीणा अलग अलग हैं, इनको 1 मीणा ना माना जाए। एक बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, पॉलिटिकली दोनों कौमें एक होते हुए, मीणा होते हुए भी अलग अलग तरह से 2 कौम के रूप में बिहेव करती है। 2 मिनिस्टर आज बने हैं SC के, और 1 पहले उप मुख्यमंत्री हैं, प्रेमचंद बैरवा, मंजू बागमार भी आज बनी है। तो कुल 3 अनुसूचित जाति के मंत्री इस मंत्रिमंडल में हैं, 25 के मंत्रिमंडल में। ये हुआ जातिगत बाइफर्केशन।
अब मैं आपसे कुछ चर्चा ऐसी करना चाहता हूं कि जिस तरह का मंत्रिमंडल बना है उसमें 5 चेहरे ही पुराने और अनुभवी हैं, ज़्यादातर चेहरे बिल्कुल नए हैं। अब ज़्यादातर चेहरे नए हैं ये कैसे एक्ट करेंगे, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जाट 4 हैं और राजपूत 3 हैं। इस पर एक सवाल अभी खड़ा हुआ है आज कि 16 राजपूत जीत के आए, उनमें 3 मंत्री हैं, हालांकि एक डिप्टी सीएम है और 2 कैबिनेट मंत्री हैं, पर महावीर सिंह सरवड़ी जो राजपूत समाज के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया कि राजपूत 16 जीत कर आए और केवल 3 मंत्री बने, जाट 4 मंत्री बने हैं। ये महावीर सिंह सरवड़ी, इन्होंने सवाल खड़ा किया आज, इन्होंने बोला तो है तो, पर लेकिन हम सुनवा नहीं पाएंगे। और 4 जाट बने, उसमें खूबी है सिलेक्शन में, एक शेखावटी के हैं जाबर सिंह खर्रा, एक बीकाणा के हैं सुमित गोदारा, एक विजय चौधरी हैं नावा के, वो नागौर है, ये बीकाणा है, ये शेखावटी है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के जो जाट हैं इनको अलग अलग तरीके से, क्योंकि उनकी सोच अलग है, एक जाट हैं जो मारवाड़ से आते हैं, चारों अलग अलग इलाकों के जाट। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ पेनल्टी कॉर्नर में, गंगानगर का जाट जैसे सोचता है वैसे भरतपुर का जाट नहीं सोचता, जैसे शेखावटी का जाट सोचता है वैसे नागौर का और मारवाड़ का जाट नहीं सोचता, जैसे अजमेर का जाट सोचता है भीलवाड़ा का जाट सोचता है वैसे ये सारे जाट नहीं सोचते। तो जाट कहने के लिए जाट हैं, लेकिन इनकी सोच, पॉलिटिकल थिंकिंग, लाइनिंग सब डिफरेंट है। तो इस सिलेक्शन में 4 अलग अलग कोनों से जाट लेकर आई है भाजपा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात। एक इम्पॉर्टेंट बात ये, भाजपा ने कई छोटी छोटी ऐसी जातियों को जो भाजपा के वोट बैंक हैं, कुमावत, अब निर्मल कुमावत हार गए तो सुमेरपुर वाले कुमावत को बना दिया मंत्री, देवासी, ओटाराम देवासी को मंत्री बना दिया, एक ही है लेकिन बना दिया, माली समाज से 2 आए थे, मैंने कल भी कहा था कि अविनाश गहलोत बनेंगे या भागचंद टाकड़ा बनेंगे, तो अविनाश गहलोत को मंत्री बनाया, दूसरी बार एमएलए बन के आए, पर माली समाज बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर रहा है, सिर्फ अशोक गहलोत ने जहाँ जहाँ कहा वहाँ के अलावा बाकी माली समाज बीजेपी के साथ ही रहा है हमेशा, जहाँ माली वोट रहे हैं वहाँ कैंडिडेट रहे हैं वहाँ तो रहा ही है, पर अदरवाइज ये पिछले सारे चुनावों का देखा जाए अनुभव ये है कि माली बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है, तो अविनाश गहलोत को मंत्री बनाया गया है। इसी तरह छोटे छोटे हीरालाल नागर, धाकड़ समाज से हीरालाल नागर को मंत्री बनाया है, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी सरदार हैं, सिख हैं, अभी एमएलए नहीं बने पर उनको मंत्री बना दिया गया। तो इस तरह देवासी विश्नोई, के विश्नोई को मंत्री बनाया गया, धाकड़ को मंत्री बनाया गया, माली को बनाया गया, कुमावत को बनाया गया, ऐसी छोटी छोटी वो जातियाँ जो भाजपा को वोट देकर लोकसभा चुनाव में अपर हैंड कर सकती हैं भाजपा का, उन सब के लोगों को, लेकिन एक यादव छोड़ दिए गए और एक जोगेश्वर गर्ग नहीं बने। ये 2 अंडरलाइन करना चाहता हूँ बात, जोगेश्वर गर्ग एससी से आते हैं, जालौर से आते हैं, जालौर का कोई मंत्री नहीं बना, जिले का संसदीय क्षेत्र का तो बना है, वो बहुत ही पुराने आरएसएस के आदमी हैं, शांत स्वभाव से पहले मंत्री रह चुके हैं, हो सकता है उन्हें मुख्य सचेतक बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, पर आज वो मंत्री नहीं बने इस पर आश्चर्य हुआ। और एक भी यादव, जब जसवंत यादव जैसा दिग्गज मौजूद था और बालकनाथ जैसे मौजूद थे, तब एक भी यादव को मंत्री नहीं बनाया गया, शायद भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं ये सोच के नहीं बनाया गया होगा, लेकिन ये 2 प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे निगाह में भी आज की तारीख में, मैं भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहा कि जोगेश्वर गर्ग क्यों मंत्री नहीं बने और किसी यादव को क्यों मंत्री नहीं बनाया गया। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही, सोमवार को फिर मिलेंगे, मंत्रियों के बंटवारे हो चुके होंगे विभाग के, उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।